अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मिसेस बुशरा मुश्ताक, पीजी साइकियाट्रिक नर्सिंग, एंड टुडे आई एम विद द क्राइसिस इंटरवेंशन पार्ट फर्स्ट वीडियो। द कंटेंट टू बी कवर्ड टुडे विल बी ग्रीफ, अबाउट द ग्रीफ इंट्रोडक्शन, इट्स डेफिनेशन एंड द स्टेजेस ऑफ द ग्रीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द ग्रीफ, इट इज़ अ यू नो टाइप ऑफ द क्राइसिस। मैं एक सब टॉपिक आता है, दैट इज़ ग्रीफ। इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रीफ, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स दे एक्सपीरियंस यू नो सम इंटेंस इमोशनल एंग्विश इन रेस्पॉन्स टू अ सिग्निफिकेंट पर्सन, पर्सनल लॉस, और व्हेन द थिंग इज़ लॉस्ट, तो वो एक यू नो एक्सपीरियंस कर सकते कुछ इमोशनल अंदर से एंग्विश टाइप, ठीक है ना, एक रेस्पॉन्स जैसा देते हैं। अगर उनको कोई पर्सनल लॉस हुआ होगा या किसी चीज़ का लॉस हुआ, एक सिग्निफिकेंट रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है इन एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। और जो ये लॉस होता है, इट इज़ परसीव्ड दैट इट इज़ परसीव्ड एज सच बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, ठीक है ना। और दिस लॉस इट कैन बी रियल इन विच केसेस दे मे बी सस्टेनड बाय द अदर्स, लाइक डेथ हो जाएगी किसी लाउड वन की, या लॉस ऑफ पर्सनल पोजेशंस, कुछ खो जाएगा, पैसा खो जाएगा, सोना खो जाएगा, वो ये, और दे मे बी यू नो परसीव्ड बाय द इंडिविजुअल ओनली अलोन, ठीक है ना। जो वो अनएबल होता है शेयर करना, या दूसरा उसे समझ नहीं सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, फिर हमने मैस्टेक्टमी की उसकी, सो दैट सॉर्ट ऑफ ग्रीफ, दैट सॉर्ट ऑफ इमोशनल एंग्विश जो उसको लॉस होता है बाय लूजिंग दिस टाइप ऑफ यू नो सॉर्ट ऑफ फेमिनिटी लॉस हुई होती है उस लेडी की, तो वो सिर्फ खुद वो महसूस कर सकती है ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड द परसीव्ड लॉस, ठीक है। एंड इन एनी सिचुएशन जो भी क्रिएट करे चेंज इन एन इंडिविजुअल, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एज दिस लॉस, एंड दिस लॉस इट कैन बी रियल और द परसीव्ड, ठीक है ना। और समटाइम्स फेलियर होता है लाइफ में, या एनी सिचुएशन में जो रियल होता है, परसीव्ड होता है, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द लॉस। एंड दिस लॉस और एंटिसिपेटेड लॉस, चाहे रियल में लॉस हुआ हो या हमें लगता है कि लॉस होने वाला है, एंटिसिपेटेड लॉस ऑफ एनी थिंग जो हमारे लिए बहुत ही मैटर करता है, विच इज़ अ वैल्यूएबल थिंग फॉर एन इंडिविजुअल, कैन ट्रिगर दीज सॉर्ट ऑफ ग्रीफ रेस्पॉन्सेज, कैन ट्रिगर दीज सम sort of you know subjective intense emotional feelings in the individual, ठीक है ना। अब जब ये loss होता है, चाहे वो real हो, anticipated हो, या you know for anything of an individual जो इसको trigger करता है grief responses को, तो एक period of time के लिए एक you know intense emotions पैदा होते हैं, मतलब characteristic emotions और behaviors individual में पैदा होते हैं, जिसको हम mourning कहते हैं, है ना, दुख जताना, ठीक है ना, मॉर्निंग, ये आपने वर्ड सुना ही होगा। सो दीज आर फॉर द पीरियड ऑफ अ टाइम, एंड इट इज़ नॉर्मल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे ये दुख जता रहा है किसी चीज़ को लेकर, ये अब दुखी हो गया, नो, इट इज़ नॉर्मल प्रोसेस एंड इज़ यू नो एंड इज़ वेरी मच अडेप्टिव। धीरे धीरे करके एक इंडिविजुअल इसके साथ अडेप्ट होता जा रहा है। लेकिन इसमें कौन सी फीलिंग्स आती है, इस मॉर्निंग में, मतलब दुख जताना, मातम, एक किस्म का मातम होता है ये, उसमें सैडनेस होती है, उसमें गिल्ट होता है, उसमें कभी एंगर भी होता है, हेल्पलेसनेस होती है, होपलेसनेस होती है, ठीक है ना, मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीलिंग्स इसमें हो जाती है। एंड अगर हम ये कहें कि अगर किसी को कोई चीज़ लॉस हो गई और उसको मॉर्निंग नहीं हुई, मॉर्निंग तो मतलब एब्सेंस ऑफ मॉर्निंग, तब हम वो बोल सकते हैं कि वो माल अडेप्टिव है। बट इट इज़ क्वाइट कॉमन प्रोसेस कि किसी को कुछ भी लॉस हो गया, छोटी सी छोटी चीज़ या पर्सनल लॉस या वॉट एवर जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको मॉर्निंग होनी ही चाहिए। दैट इज़ वेरी मच यू नो adaptive behavior, वो बाद में दिखा सकता है इंडिविजुअल, एंड दैट इज़ गुड। एंड इफ़ इट इज़ नॉट
मॉर्निंग नहीं दिखा रहा है तो वो माल एडाप्टिव बिहेवियर है एक इंडिविजुअल का। नाउ डेफिनेशन किस तरीके से अब आप इस ग्रीफ को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कहेंगे कि ग्रीफ क्या होता है, बेसिकली ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स ही होती है, एक सब्जेक्टिव, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल ही समझता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखाता है कि वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है, बट बेसिकली द ग्रीफ इज़ द इंटरनल इमोशन, राइट। सब्जेक्टिव स्टेट इमोशनल फिजिकल एंड सोशल रेस्पॉन्सेज जिसमें आता है फॉर एनी valued thing for any valued entity to an individual, right, that is defined as the grief. Now there are various stages of the grief, maybe you have come across through these stages. Ye kisne diye, ye Kobler Ross ne diye in 1969, and in his extensive research, with basically usne terminally ill clients ke bare mein research ki, and he identified that time is that five stages of feelings hoti hai, behaviors hote hai jo ek individual experience karta hai in response to the loss, whether it is real, whether it is perceived loss, or whether it is anticipated loss, theek hai na, hone wala hota hai jo loss, theek hai, because terminally ill client के अगर फैमिली मेम्बर्स को देखेंगे या खुद क्लाइंट को देखेंगे तो उसको लगता है कि ये एंटिसिपेटेड लॉस है, दैट आई एम लूजिंग माय लाइफ, या किसी उसकी फैमिली मेम्बर को लगता है आई विल लूज हिम, दैट इज़ द एंटिसिपेटेड, ठीक है ना, वो हो जाता है। तो उसने वहाँ पे डिफाइन किए पांच स्टेजेस होते हैं इस ग्रीफ के। द स्टेज वन डिनाइल, स्टेज सेकेंड एंगर, स्टेज थर्ड बारगेनिंग, स्टेज फोर डिप्रेशन, एंड स्टेज फाइव एक्सेप्टेंस। Now the stage one, that is the denial. Denial एक ऐसा stage होता है, it is a stage of shock हम कहेंगे, ठीक है ना, and shock and disbelief at the same time. Shock में भी रहता है client, that and disbelief कि उसको यकीन नहीं हो जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है ना। And पहला response इस denial में एक individual का होता है no. And oh no, that it can't be true, right? And the reality जो इस loss की होती है वो individual acknowledge नहीं करता, वो बोलता है नहीं ये नहीं हुआ है मेरे साथ। And it is a protective mechanism because ये एक individual को allow करता है immediate crisis से coop up होने के लिए, ठीक है ना, immediate time frame जो उस वक्त loss हुआ होता है उसको coop up करने के लिए denial बहुत ही एक अच्छा response है, जिसमें वो बोलता है नहीं ये मेरे साथ नहीं हुआ है, नो इट इज, इट हैज नॉट हैपन्ड, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट, डिनाइल हो जाता है। एंड मोर ओवर फिर वाइल ऑर्गेनाइजिंग मोर इफेक्टिव यू नो डिफेंस स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में, ये पहला बेस्ट रेस्पॉन्स रहता है इंडिविजुअल में। दूसरा आता है सेकेंड स्टेज, दैट इज द एंगर, right? Anger, it is also the, a subjective feeling, जब वो outward response होता है उस किसी चीज़ का, तो वो उस वक्त बोलता है, गुस्सा करता है कि मैं ही क्यों, why me, right? And it's not fair to me, ऐसे comments pass करता है, often express it जब भी वो anger stage में होता है, ठीक है ना। resentment होता है towards individual not affected by loss, उसको दूसरों से मतलब envy हो जाती है, या resentment होता है कि मेरे साथ हुआ इसके साथ नहीं हुआ, why me, it's not fair, right? Like in examination we may lose some marks or we may lose our position, so we say that why me, मेरे साथ ही क्यों हुआ, I had done this much, इसके साथ क्यों नहीं, तो तब हमें दूसरों के खिलाफ envy पैदा होती है, resentment पैदा होता है, वो इसमें common हो जाता है, ठीक है ना। And it is it may be directed at self, खुद पे वो एंगर निकाल सकता है, या डिस्प्लेसड ऑन द लाउड वंस, केयर गिवर्स पे गुस्सा, या कभी कभी अल्लाह ताला पे हम मतलब नौजबिला ऐसा कभी कह सकते हैं, ऐसा ना होना चाहिए, बट समटाइम्स सम इंडिविजुअल्स डू दैट, एंड देयर मे बी इमेज कि लॉस ऑफ एंटिटी हुई है, वो इमेजिन करता जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आइडियलाइज्ड करता है वो इमेज, और इस मैं वो गुस्सा निकाल सकता है किसी के भी ऊपर, ये सेकेंड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज में वो बार्गेन करता है, दिस वर्ड बार्गेन,
मतलब इस स्टेज में जो कि विजिबल नहीं होता है शायद दूसरों को, ठीक है ना, बिकॉज ये यूजुअली ये वाला स्टेज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज अल्लाह एंड हिज गॉड होता है, ठीक है ना, तो दूसरों को ये नज़र नहीं आता है, एविडेंट नहीं होता है टू द अदर्स, ये कुछ बारगेन टाइप करते हैं कि अल्लाह ताला प्लीज़ इसको रिवर्स कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ मैं इस तरीके से काम करूँगा, मैं आज से अपनी लाइफ इस तरीके से गुजारूँगा, अगर अल्लाह ताला आपने मुझे हेल्प किया थ्रू दिस तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा नमाज पढ़ूँगा, ऐसा कुछ, वो यू नो इट इज़ अ बारगेन टाइप, लेकिन ये दूसरों को शायद नज़र नहीं आता है, ठीक है ना। एंड कोई बोलता है मैं अब दूसरों की खिदमत करूँगा, माँ बाप की खिदमत करूँगा, सो समटाइम्स द इंडिविजुअल ऑल्सो मेक सर्टन सॉर्ट ऑफ प्रोमिस एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ गिल्ट फॉर नॉट हैविंग परफॉर्म दैट सेटिसफैक्ट्री, मे बी अगर कोई फेल हो जाए खुदा ना खास्ता या कुछ हो जाए तो वो फिर बोलता है कि मतलब हाँ मैंने थोड़ी सी मेहनत नहीं की थी, अब मैं करूँगा मेहनत, लेकिन इस बार मुझे बचा लो, ऐसा कुछ। सो जो अप्रोप्रिएट हो या सफिशेंट हो उस टाइम के लिए तो वो बार्गेन करता है तो ये स्टेज बिटवीन द गॉड एंड हिज यू नो दैट इंडिविजुअल होता है, दैट इज द थर्ड स्टेज बार्गेनिंग। फिर आता है फोर्थ स्टेज, डिप्रेशन का स्टेज, एंड इस स्टेज में फुल इम्पैक्ट होता है लॉस का, फुल इम्पैक्ट जितना भी क्योंकि मतलब लॉस हुआ होता है, फुल इम्पैक्ट देखा जाता है उस लॉस का इस इंडिविजुअल पे, ठीक है ना, वो इसमें इंटेंस लॉस्ट मतलब फीलिंग्स होती है, सैडनेस होता है, पूरे टाइम डिप्रेशन प्रिवेल होता है ना, एंड इसमें पूरा टाइम वो क्वाइट डिस्पर्शन में होता है, डिसएंगेज्ड रहता है फ्रॉम ऑल द एसोसिएटर्स जो भी है, एंड टोटली इसमें वो लॉस पे खोया ही रहता है, ठीक है ना, एंड इट इज़ टू वेरी मच डिप्रेशन दिस ना सॉरी डिफरेंट फ्रॉम द पैथोलॉजिकल डिप्रेशन, जो कि मतलब क्या उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल डिप्रेशन, अगर वो इसी में मतलब अटक जाएगा, इंडिविजुअल फिक्सड बन जाएगा ग्रीफ प्रोसेस में, तब वो पैथोलॉजिकल कहता है, बट इट इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि ये क्या इसको बोलते हैं फोर्थ स्टेज में आता है, ये एक पार्ट होता ही होता है इस ग्रीफ का, इस ग्रीफ रेस्पॉन्स का, एंड बेसिकली ये डिप्रेशन होना चाहिए क्योंकि यही फेज़ हमें दिखाएगा कि नहीं एडवांसमेंट इन स्टेजेस का हो रहा है और इंडिविजुअल बढ़ रहा है अब ठीक होने की तरफ, ठीक है ना। अब अगर वो पहले ही स्टेज में जैसे डिनाइल में अटक गया, दैट मीन्स उसका सेकंड स्टेज नहीं आ रहा है, थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में तो पहुंचेगा ही नहीं, दैट मीन्स तब वो पैथोलॉजिकल बन सकता है, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर ये सारे स्टेजेस आ रहे हैं इंडिविजुअल में डिप्रेशन तक पहुँच गया, तब हमें क्लू मिलता है नो द क्लाइंट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द गुडनेस, ठीक है ना, मतलब अब वो ठीक होने जा रहा है। द फिफ्थ स्टेज और द लास्ट स्टेज इज़ द एक्सेप्टेंस, जब वो फाइनली ये स्टेज यू नो उसको पीस लाता है रिगार्डिंग द लॉस विच हैज़ ऑकर्ड, ठीक है ना, क्योंकि अब ये मतलब एक्सेप्ट करने का एक टाइम होता है कि वो ये सारी लॉसेस को एक्सेप्ट करे, इंडिविजुअल एक्सेप्ट करे एंड फोकस करे ऑन द रियलिटी ऑफ द लॉस और इट्स मीनिंग कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, अच्छा मतलब इंडिविजुअल के साथ जो भी उसके साथ अफेक्ट हुआ होगा, वो इंडिविजुअल जिस तरीके से भी अफेक्ट हुआ वो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। एंड ज़रूरी नहीं है हर एक इंडिविजुअल को ये पांचों स्टेजेस हो जाएं यू नो लॉस के एंड और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये ऑर्डर में हो जाए कि नहीं पहले डिनाइल हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, बार्गेनिंग हो जाएगा, दे मे फ्लक्चुएट इन एन इंडिविजुअल्स या इवन इतना ओवरलैप हो जाएगा समझ में भी नहीं आएगा कि इस वक्त ये किस स्टेज में है, ठीक है ना। सो बट दीज स्टेजेस कम अक्रॉस, ये पांच होती है, चाहे ऊपर नीचे पहले हो जाएंगी या ओवरलैप हो जाएंगी, बट दे कम थ्रू एंड द क्लाइंट यू नो पासिस थ्रू द रेजोल्यूशन फेज, ठीक है। सो दिस वर दीज वर अबाउट द स्टेजेस ऑफ द ग्रीफ, होप यू गॉट इट, थैंक यू, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, आई विल कम विद द सेकेंड पार्ट सून इंशाल्लाह ताला, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।